तो भाई अभी अभी मैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर देख करके आया हूँ। क्या जबरदस्त ट्रेलर भाई साहब, फाड़ू ट्रेलर एकदम से खतरनाक। जो मैं कल से इसका रिव्यू वगैरह पढ़ रहा था बहुत सारे पोर्टल में, बहुत सारी बड़े बड़े हस्तियों का मैं रिव्यू वगैरह देख रहा था, सबके सब लिख रहे थे कि भाई धमाकेदार A1 ट्रेलर, हाई एक्टन एक्शन, जबरदस्त ट्रेलर। मजा आ गया यार, लिटरली उनका एक एक वर्ड सच था भाई, एक एक वर्ड सच था। मजा आ गया, बहुत जबरदस्त। इसे कहते हैं थिएटर मटेरियल मूवी, जो कि क्या लगेगा यार, सच में क्या लगेगा ऐसा। मतलब ये लोग ना, अगर सॉन्ग वगैरह सही नहीं था तो ये फिल्म का प्रोमो वगैरह ऐसे छोटे छोटे वीडियो छोड़ देते ना, है सॉन्ग छोड़ करके फिल्म का हाइप को एकदम से डाउन कर दिए। देखो ट्रेलर अभी क्या लग रहा है, अभी पता चल रहा है कि भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी आ रही है, जो हम बहुत पहले से एक्साइटेड थे कि भाई अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की बड़े मियाँ छोटे मियाँ मूवी, एकदम रियल एक्शन देखने को मिलेगा, जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये है वो फिल्म, वो जो सॉन्ग वगैरह आ रहा था ना वो नहीं था, ठीक है ना। ये है वो फिल्म जो कि ट्रेलर एकदम से लिटरली लाजवाब था, खतरनाक। मैं तीन लोगों की बात करूंगा खास तौर पे, जो कि उनका ही करनी चाहिए, पृथ्वीराज सुकुमारन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, इन तीनों को ही खास तौर पे देखने को मिल रहा है। और फिल्म में भी इन तिकड़ी का ही अगर जलवा रहता है, इनके ऊपर ही फिल्म को घुमाया जाता है, ओके, तो फिल्म बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। और अगर वो जो जो आई है ना इनको मदद करने के लिए, वो जो दो हीरोइन, इनके साथ अगर फ्लर्टिंग वगैरह हो गया, अगर कॉमेडी वगैरह हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर फिल्म को भटकाने की कोशिश करेंगे, लेंथ को बढ़ाएंगे, तो गया सब कुछ। लेकिन जो ट्रेलर में जो चीज़ दिखाई है ना, वो चीज़ को अगर ये लोग कंटिन्यू रखते हैं तो भाई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। एक एक फ्रेम मैंने देखा, बहुत खतरनाक लगा। और इसका स्टोरी जो कि मैंने आपको एक वीडियो पे बता रहा था, पृथ्वीराज सुकुमारन के बारे में जब बता रहा था उस टाइम पे, कि ये एक बहुत ही स्मार्ट विलन होने वाला है और एक साइंटिस्ट होने वाला है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का गलत इस्तेमाल करके इन दोनों को गुमराह करेगा, पूरा का पूरा देश को खोखला करने के लिए वो कोशिश करेगा। और ट्रेलर में भी पता चल गया कि किस चीज़ का वो बदला ले रहा है, ऊपर से उसका फेस भी रिवील नहीं हुआ। भाई साहब मैं सोच रहा था कि भाई टीजर में जैसे फेस रिवील नहीं होता है, तो सोच रहे 3.5 मिनट का ट्रेलर आया है तो पृथ्वीराज सुकुमारन का फेस देखने को मिल जाएगा, लुक देखने को मिल जाएगा, लेकिन भाई लुक देखने को नहीं मिला यार। इतनी बड़ी ट्रेलर आया फिर भी लुक देखने को क्या है वो मार्क्स के पीछे, वो देखने को नहीं मिला। लिटरली भाई मैं पृथ्वीराज सुकुमारन को बहुत सारी खास तौर पे तीन जगह पे फील किया, चार जगह पे फील किया हूँ। पहला तो वो एकदम से लंबे लंबे हेयर, जो पूरा एकदम से खतरनाक एंट्री जो होता है ट्रेलर शुरू होते ही, वो मार्क्स वाला वो हो गया। फिर और दो जगह पे मैंने उनको फील किया, जो कि उनका ही कुछ क्लोन वगैरह बन रहा है शायद, ओके, वो पृथ्वीराज सुकुमारन जैसा मुझे लगा। दो जगह पे वैसा है, एक तो पूरा एकदम से एकदम एक रोबोट टाइप का एक खतरनाक दर्दीला साउंड के साथ एक वाला एक था, एक फ्रेम में देखने को मिला। और एक था उनका बैक साइड से देखने को मिला, जो कि उनका जो साफ सुथरा चेहरा है वो वाला शायद होगा वो, ओके, जो ब्लेजर फ्लेजर पहन करके पूरा एकदम से वो साइंटिस्ट वाला होगा शायद। और उनका फेस में क्या है ऐसा जो अभी तक बिल्कुल रिवील नहीं करे हैं, वो एक इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि भाई इस फिल्म में विलन का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रोल है, जो कि विलन कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लिटरली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो कि देखो अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ दोनों के दोनों खतरनाक एक्शन हीरो हैं, ओके, तो ये दोनों फिल्म ना, ये दोनों हीरो ना अपनी अपनी फिल्मों में, जब अपनी एक सोलो हीरो वाली फिल्म में जब आते हैं तो उसमें विलन का छक्के छुड़ा देते हैं। अगर इन दोनों को एक साथ एक फिल्म में देखने को मिलता है तो उसमें विलन का एकदम से रुतबा होना बहुत ज़रूरी है, एकदम खतरनाक विलन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन दोनों को टक्कर दे सके, इन दोनों को गुमराह कर सके। तो वैसा वाला फिल्म मुझे ट्रेलर में बखूबी देखने को मिला पृथ्वीराज सुकुमारन से, जो कि भाई इन दोनों को नचाने वाला है लिटरली पूरा एकदम से, जो कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ लिखने के बाद, ओके, टाइटल लिखने के बाद इन दोनों का जो फाइटिंग देखने को मिलता है और वहाँ पे डायलॉग जो चलता है कि हम एक दूसरे के लिए जान ले भी सकते हैं, जान दे भी सकते हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पृथ्वीराज सुकुमारन ऐसी कौन सी मजबूरी में दोनों को फंसा है कि दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं, ओके। तो गाइस विलन पावर इसमें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होगा और फिल्म लिटरली थिएटर मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा, लिटरली फाड़ने वाला है। और मैं तो ख्वाहिश करूँगा कि ये फिल्म सक्सेस हो, और होगा लिटरली, अभी जिस तरह की फिल्मों को लोग पसंद कर रहे हैं वैसा वाला चीज़ तो ये लग ही रहा है। बस एक ही चीज़ है कि भाई वो सारा चीज़ को जगह ना मिल जाए, वो जो सॉन्ग वगैरह देखने को मिला वो सारा चीज़ अगर एक्सटेंट ना हो, लेंथी ना हो, फिल्म को बोरियत ना कर दे तो बहुत मज़ा आएगा। ये जो तिकड़ी है एक्चुअली में, ये पृथ्वीराज सुकुमारन, टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार, इनकी ही बस, इनको ही लेकर के अगर फिल्म चले तो फिल्म बहुत ज़बरदस्त होगा। एक एक फ्रेम बहुत ज़बरदस्त लगा, और वो जो घोड़े वाला सीन हो गया, वो चप्पर वाला जो फाइट सीक्वेंस हो गया अक्षय कुमार का, ओके, फिर एक जगह पे सोनाक्षी सिन्हा को भी देखने को मिला, क्या है शायद वो
पृथ्वीराज सुकुमारन का कोई क्लोन है, शायद वो विलेन हो सकती है और अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के पास आकर के उन दोनों के साथ गेम खेल सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है क्योंकि उसके साथ ही कुछ पृथ्वीराज सुकुमारन कर रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कुछ थ्रिल भी पैदा कर दी है, तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती होने वाला है। लिटरली मैं ट्रेलर देख करके फिल्म के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। आपको ट्रेलर कैसा लगा एक कमेंट जरूर करिएगा। 10 अप्रैल को फिल्म आ रही है मेरे दोस्त, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, कौन कौन देखने जा रहे हो एक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।